हेलो दोस्तों, हानिया पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम गदर 2, ओ माई गॉड 2 और पठान मूवी के 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि भाई 6 दिनों तक यानी गदर 2, ओ माई गॉड 2 और पठान मूवी का जितना जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था, कौन किससे कितना आगे रही, कहाँ कहाँ क्या क्या ऑक्युपेंसी थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप सनी देओल, शाहरुख खान और अक्षय कुमार के फ़ैन हैं, इनकी मूवी देखना पसंद करते हो, भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मूवी से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले गदर 2 मूवी के बारे में। गदर 2 मूवी आप सभी को बता रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन के टाइम पे मोदी की लहर हुई थी, वैसी ही सेम गदर 2 की लहर चल रही है। लोग यानी ट्रकों में ट्रक चला चला के जा रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ जा रहे हैं थिएटर में मूवी देखने के लिए। इतना क्रेज आज से पहले किसी मूवी का नहीं था यार, इतना क्रेज तो यानी इतना दबदबा तो जो पठान मूवी आई थी तब भी नहीं था। तो बात करेंगे इसकी एडवांस बुकिंग की। तो एडवांस बुकिंग यानी 1 अगस्त से इस मूवी की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी थी और पहले दिन ही 10,000 से ज़्यादा टिकटें बेचकर इस मूवी ने एक इतिहास रच दिया था और लगभग 35 लाख रुपये अर्न किए थे पहले दिन ही, यानी टिकटें बेचकर, ठीक है। और पहले दिन के लिए इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी पहले दिन के लिए वो लगभग 18 करोड़ रुपए की हुई थी और दूसरे दिन के लिए एडवांस बुकिंग हुई थी इसकी 17 करोड़ रुपए की। और वहीं बात करते तीसरे दिन के लिए इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी वो हुई थी 27 करोड़ रुपए की, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, यानी इस मूवी ने अपने पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख रुपए की अर्निंग की। वहीं दूसरे दिन बात करते हैं, दूसरे दिन इस मूवी ने 43 करोड़ रुपए की अर्निंग की। तीसरे दिन संडे के दिन इस मूवी ने 52 करोड़ रुपए की अर्निंग की और बहुत यानी कई मूवियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वही बात करते चौथे दिन इस मूवी ने 38 करोड़ रुपए की कमाई की और 15 अगस्त के दिन यानी कल इस मूवी ने 57 करोड़ रुपए कमाकर एक इतिहास रच दिया था और आज ये मूवी लगभग 30 करोड़ रुपए कमा सकती है। वहीं बात करते हैं दूसरी तरफ ओ माई गॉड 2 मूवी के बारे में। ओ माई गॉड 2 मूवी जो ओ माई गॉड मूवी आई थी उस मूवी का सीक्वल है और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये मूवी भी ताबड़तोड़ कमाई करती हुई जा रही है। बात करें इस मूवी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो पहले दिन इस मूवी ने 10 करोड़ 26 लाख रुपए की अर्निंग की। वहीं दूसरे दिन इस मूवी ने 15 करोड़ 30 लाख रुपए की अर्निंग की। वहीं बात करें तीसरे दिन इस मूवी ने 18 करोड़ रुपए, चौथे दिन इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए और पांचवें दिन इस मूवी ने 19.5 करोड़, यानी ये देखो 15 अगस्त के दिन इस मूवी ने भी एक कमाल कर दिया, इतिहास रच दिया। इस मूवी ने 19.5 करोड़ रुपए की कमाई की, वहीं गदर 2 ने 57 करोड़ रुपए की कमाई की, तो इसने 19.5 करोड़ रुपए की कमाई की। और आज इस मूवी की जो ऑक्युपेंसी है वो घटती हुई नज़र आ रही है और इसका जो कलेक्शन है वो लगभग 8-9 करोड़ रुपए कमाती हुई नज़र आ रही है। और दोस्तों वैसे अब तक देखा जाए तो ओ माई गॉड 2 ने यानी अब तक कुल 112 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और दोस्तों आप लोग भी बताना कि भी इस मूवी की जो स्टोरी है वो आप सभी को कैसी लगी। वैसे गदर 2 की स्टोरी सबको पता है और वैसे ओ माई गॉड 2 मूवी की जो स्टोरी है वो आप सभी को कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। और वहीं बात करते हैं, वैसे आप सभी को ये भी पता है कि भाई अक्षय कुमार ने जो पहले उसकी 4-5 मूवी आई थी वो सारी की सारी फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। और जैसे कि भाई बच्चन पांडे मूवी आई थी वो भी फ्लॉप हो गई थी और सेल्फी मूवी आई थी वो भी फ्लॉप हो गई थी। अब ये ओ माई गॉड 2 मूवी आई है, ये मूवी सुपरहिट मूवी साबित होगी। जिस तरीके से इस मूवी की स्टोरी है वैसे ये मूवी सुपरहिट होगी। अब बात करते हैं तीसरी मूवी पठान मूवी के बारे में, जो कि अब तक की यानी 2023 की वन ऑफ द मोस्ट ब्लॉकबस्टर यानी
जो सबसे अच्छी मूवी बनी है अब तक 2023 की, वो पठान मूवी बनी है। और पठान यानी 4 साल के ब्रेक के बाद शाहरुख खान इस मूवी के अंदर नजर आए थे और इस मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई करके इतिहास रच दिया था। 1000 करोड़ से की प्लस की कमाई की थी। वैसे शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग है जितनी भारत के अंदर है, इससे कहीं ज़्यादा विदेशों में है। और बात करेंगे इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इसका जो पहले दिन की ओपनिंग है वो 55 करोड़ से हुई। इस मूवी ने पहले दिन 55 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 68 करोड़ रुपए यानी इनक्रीज हो गए, और तीसरे दिन ये देखो कि मैं लटका मारा 38 करोड़ रुपए, और चौथे दिन इस मूवी ने 51 करोड़ 50 लाख रुपए की अर्निंग की, और वहीं पाँचवें दिन इस मूवी ने 58 करोड़ रुपए, ठीक है। गदर 2 ने पाँचवें दिन 57 करोड़ और पठान ने 58 करोड़, और ये पठान ने छठे दिन 25.5 करोड़ रुपए की कमाई की। ये देखो गदर 2 है वो छठे दिन यानी आज लगभग 30 करोड़ रुपए की अर्निंग करेगी, और पठान ने 25.5 करोड़ रुपए की अर्निंग की थी। तो ये देखो कि भाई छठे दिन यानी गदर 2 पठान मूवी को बीट कर रही है, पठान मूवी के रिकॉर्ड तोड़ रही है। वैसे गदर 2 जो मूवी है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से 2023 का जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो सनी देओल पाजी को मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि भाई क्या 2023 का बेस्ट एक्टर अवार्ड सनी देओल को मिलेगा या शाहरुख को, और चैनल को सब्सक्राइब